क्रिया बाबा जी नमः। ओम सिद्ध क्रिया बाबा जी नमः। ओम मुझे आशीर्वाद देते समय वो एकदम दिमाग में हृदय में सब में बैठ गया। तो अभी मैं शाम को जब जपमाला हम सब लोगों के साथ करती हूँ तो श्री राम का जप मैं बचपन से करती हूँ वो करती हूँ। सवेरे उठ के माला लेने के बाद वो तुरंत वही शब्द मुझे ध्यान में आते हैं, उसी से ऊपर मैं भी जपमाला करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है ये मंत्र बोलना, नाम स्मरण करना, ये सब क्या है बोले तो अपना अपना पसंद है। अपना अपना पसंद, पसंद का मतलब ट्यूनिंग, ट्यूनिंग विथ समथिंग। कुछ एक एक मंत्र एक एक के लिए काम करता है। भगवान का नाम एक ही है, असली सच समझे तो भगवान को नाम नहीं है, भगवान को नाम नहीं है। लेकिन हम साधक है ना, जीवात्मा है, शरीर लेके आया, मन का कर्म लेके आया, मन के द्वारा जीना चाहिए। इसलिए मंत्र जप कंपल्सरी करना है। मंत्र कुछ ना कुछ, तुम्हारे माँ अच्छा लगे, माँ 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 बोलो, वही मंत्र होते हैं। सदगुरु 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 बोले तो वही मंत्र होता है। साईनादा 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 बोले तो वही होता है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोले तो वही मंत्र होता है। लेकिन वो उसका प्रभाव रहेगा। वो अक्षर परब्रह्म बोलते हैं ना, हर एक अक्षर परब्रह्म स्वरूप, अक्षर कुछ भी हो, अल्फाबेट्स में कुछ भी हो, तो परब्रह्म तत्व तो हर एक अक्षर में रहता है। इसलिए तुम जो तुमको लगता है, हृदय को पकड़ता है, वो पकड़ो, वो करते रहना, कुछ भी हो, डोंट डिफरेंशिएट। लेकिन वो मंत्र गुरु के मुख से आता है तो वहां वही बोलने को। और उस दिन में कैसा हो गया, ये मेरा अहंकार है मालूम नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन बाजू में दो तीन लोग जिन्होंने आपको चरण किया तो उस टाइम आप नहीं बोले तो बाकी वालों को जलन हो गई। मैं बोले अभी क्या करूंगा, बोल दिए वो कुछ कनेक्शन रहेगा या मालूम नहीं, मेरा नसीब रहेगा, उसका इच्छा रहेगी। इसलिए कभी भी साधना में भक्ति में शुड नॉट कंपेयर, शुड नॉट कंसिडर अदर पीपल। मैं और मेरा भाव, मैं और मेरा विश्वास, मैं और मेरा गुरु, मेरा गुरु। वो गुरु दूसरों को भी गुरु हो सकता है, वो सेम गॉड भगवान दूसरों को भी भगवान बन सकता है। लेकिन ये पहले शुरू में एक सीमित पकड़ना है, मैं क्या हूं, मैं भगवान से जुड़ रहा हूँ, भगवान को मेरे जीवन में ला रहा हूँ, मैं और मेरा भगवान, मैं और मेरा सदगुरु। दूसरों को कंसिडर करके दूसरों के तरफ से सोचे तो ना बहुत डिबिएट हो जाता है, अलग अलग भाव आते हैं, वो लोगों का भाव अलग रहता है हमारा, वो लोग भी हमारे बारे में नहीं सोचने का, हम भी दूसरों के बारे में नहीं सोचने का, एक सच्चे रहता है। सच्चाई को हम ये कर सकते, लेकिन ये क्रियाओं में हर एक का अपना अपना स्थिति बन जाता है, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए दूसरा क्या बोलता है, दूसरा तुमको मतलब ही नहीं, दूसरे लोग कब तक रहते, एक घंटा रहते, एक दिन तुम्हारे साथ में, तुम्हारा जीवन तुम जीने का, तुम्हारा विश्वास तुम बढ़ाने का, जो ऐसा हम करते रहना है। कुछ भी हो, ग्रुप में आए तो थोड़ा सा ऐसा तकलीफ आता है, फिर भी यू बी स्टडी, यू बी क्लियर अबाउट योर पर्पस रिक्वायरमेंट, ऐसा होता है। इसलिए ये इंस्पिरेशन। लेकिन मंत्र का मतलब, मंत्र में ओंकार रहता है, ओम पहले रखना जोड़ के, वो नाम नाम को गुरु का नाम या भगवान का नाम लेते हैं नाम, उसको ओम लेना है लास्ट में, नमः बोलने का, तब एक वाक्य बनता है, वो मंत्र बन जाता है। वो भी उन्होंने बोले जैसा गुरु के मुख से, गुरु का मुख से उनसे उनसे हम सुने, तुम ये करते रहो बोले तो उन्होंने अपना संकल्प जोड़ के तुमको वो मंत्र देता है, अपना संकल्प जोड़ के उसमें, अपना शक्ति जोड़ के तुमको गाइडेंस दे रहे हैं ना, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने खुद लेता है, जिम्मेदारी, मैं ये मंत्र इनको दे रहा हूँ, ये सिद्ध होना चाहिए, उन्होंने करते करते समय उनको फल मिलना चाहिए बोल के वो गुरु
वो लोग अच्छा संकल्प लेता है, उनके पास अनुभव ज्ञान रहता है ना, सिद्धत्व रहता है, वो सिद्धत्व में से थोड़ा सा संकल्प सिद्धि आपको मंत्र के द्वारा देते, इसलिए गुरु मंत्र बहुत विशेष है, गुरु मंत्र का इफेक्ट जरूर रहेगा, बहुत रहेगा, इसलिए होता है। नहीं तो और देखे तो हर एक अक्षर परब्रह्म है, तुम जैसे तुम अंदर अंदर लेते वो लेते रहे तो उतना होता है, इसमें सोचने का नहीं। हैप्पी, बहुत अच्छा। जय बाबा, जय साई राम।